नमस्कार, आप न्यूज़ वन इलेवन देख रहे हैं। राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल साल के पहले दिन ही सरकार ने रसोई गैस और रेल किराए में बढ़ोतरी की है, जिसको देखकर अब राजद के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। राजद के कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर सरकार पर आम लोगों की पॉकेट पर मार बढ़ाने का आरोप लगाया। लोगों ने कहा कि सरकार आम लोगों को परेशान कर रही है और परेशान करते हुए रेल किराया और रसोई गैस की कीमतों को बढ़ा दिया गया है। हालांकि इससे इतर अगर सरकार की कहे माने तो सरकार का सीधे तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, उस तरीके से रेलवे के किराए भी बढ़ाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर अब पटना में युवा राजद के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, अपने हाथों में सिलेंडर लेते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया। साथ ही साथ इस दौरान जिस तरीके से पुतला दहन करते हुए सरकार का विरोध भी किया गया। क्या कुछ कहा इस दौरान राजद के नेताओं ने, जरा वो सुनिए। सरकार का जो बढ़ोतरी हुई है गैस का, रेल भाड़ा प्रधानमंत्री जी बढ़ाए, आज जो है नागरिकता बिल, सीए बिल, आरसी बिल, ये सब जो भी बिल ला रहे हैं, ये महंगाई को बढ़ाने, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी एक से एक जो चाल चल रहे हैं पब्लिक समझ गई है। हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल पटना का विरोध किए, गैस का दाम जो है वापस लें, पेट्रोल का दाम वापस लें, और नहीं तो और रेल किराया जो है दाम का वापस लें। ये वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और रेल मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री मिलकर जो साजिश, गरीब जनता का जो है प्याज जो है थाल से छीनने का काम किया, जो गरीब का, गरीब बिहार का गरीब बच्चा, बूढ़े लोग कमा खा करके जो है प्याज रोटी खाने का काम करते, आज प्याज भी थाल से छीन लिए हैं। इसकी बदला जो है आने वाला समय में जो है चोट, वोट की चोट से लेगी बदला। सतीश कुमार चंद्र से अध्यक्ष, पटना जिला, युवा राष्ट्रीय जनता दल। न्यूज़ वन इलेवन के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।